स्टूडेंट, टुडे वी टेक लीनियर प्रोग्रामिंग क्लास 12। आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, कुछ सीधे सीधे आपको इक्वेशन दिया गया है। और आप जो है क्लास 11th में ये अच्छी तरह से पढ़े भी हैं, तो ये भी वही क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको जो 12th का कोर्स है उसमें मिनिमम 3 इक्वेशन तक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं, है ना। मिनिमम 2 कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपको ग्राफ पूरी स्टेप देख लीजिए इसमें। बाकी लीनियर प्रोग्रामिंग तो पूरा बिजनेस से संबंधित है, बिजनेस इसमें देखे जाते हैं। माने कोई भी वस्तु बनती है उसमें कितनी लागत आती है, है ना, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप बुक में देख सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, मैक्सिमम मिनिमम, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो इसमें 2 तरह के इक्वेशन जो मिलेंगे आपको, एक सब्जेक्ट टू कंट्रेंस मिलेगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिलेगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वर्क है कि जो इक्वेशन हमने, जो बिजनेसमैन लास्ट में वैल्यू रखते हैं ग्राफ खींचने के बाद, तो उसमें हमें जो फाइनल आंसर मिलता है ना, कि हमें कितना प्रॉफिट होगा, किस वैल्यू पे प्रॉफिट होगा, किस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, किस पॉइंट पे मिनिमम मिलेगी, इसको जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ वैल्यू रख के पता लगा लेते हैं। सब्जेक्ट टू कंट्रेंस माने हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, क्या बना रहे हैं, कितनी वैल्यू है, कितनी लागत है, उसके माध्यम से हम इसमें ग्राफ खींचते हैं। तो जैसे ये आगे हम सिंगल स्टेप के लिए लिए हैं, सिंगल लाइन के लिए लिए हैं, तो सब्जेक्ट टू कंट्रेंस से हमको ग्राफ प्लॉट करना है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वर्क हमारा लास्ट में होगा, ग्राफ को देखकर एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे। इसमें 4 स्टेप में ये क्वेश्चन होता है आपके, और ये चारों स्टेप आपको परीक्षा में बताना पड़ेगा। यदि ये 4 स्टेप पॉइंट नहीं देते हैं तो आपके नंबर वहां से कटेंगे। पहला है इसमें, तो गिवन तो आप लिखेंगे, गिवन में आपका ये पूरा क्वेश्चन रहेगा। गिवन के बाद जो पहला पॉइंट है, कंसीडर द लाइन, मतलब कि जो हम सब्जेक्ट टू कंट्रेंस लेते हैं उसमें जो कंडीशन होती है वो लेस देन आर ग्रेटर देन होती है। तो सबसे पहला काम, कंसीडर द लाइन जब लेते हैं तो मतलब ये कि जो भी हमें सब्जेक्ट टू कंट्रेंस दिया गया है और उसमें जो कंडीशन लेस देन आर ग्रेटर देन दी गई है उसको इक्वल के बराबर लिख लेते हैं, और फिर वहां से हम ग्राफ के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये है कंसीडर द लाइन। कंसीडर द लाइन से ही हम ग्राफ की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग रख के हम अलग अलग ढंग से वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वैल्यू फाइंड आप अपने ढंग से कर सकते हैं, तरह तरह के से लोग करते हैं। फिर जब हमें वैल्यू मिल जाती है तो उस वैल्यू का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। तो सेकंड पोर्शन है आपका ग्राफ। थर्ड पोर्शन है साइडेड रीजन। उसी ग्राफ में आगे तो हमें साइडेड रीजन बनाना पड़ेगा, और साइडेड रीजन जहां पे हमारा आ जाएगा उसी को हम बोलेंगे फिसेबल रीजन, है ना। फिसेबल रीजन आपका बाउंडेड भी आ सकता है, अनबाउंडेड भी आ सकता है, तो उसको हम बोलते हैं फिसेबल रीजन। इसी रीजन में हम जो है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है आपका, तो जो हम फिसेबल रीजन लेते हैं, जब हमको ग्राफ मिलेगा तो उसमें हमें फिसेबल रीजन में कुछ पॉइंट मिलेंगे कि जो साइडेड पार्ट है वो किस किस पॉइंट के ऊपर बन रहा है या बाउंडेड पार्ट में बन रहा है, उन्हीं पॉइंटों को हम ले लेते हैं और इसके एक्स वाई में पुट करते हैं। तो हम उसमें वैल्यू जब पुट करते हैं एक्स वाई की, तो उस स्थिति में हमें उसका कुछ आंसर मिलेगा। आंसर यदि जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और उसमें जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन को इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ओरिजिन में तो ऑलरेडी 0 ही मिलेगा एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे।
तो उसे आप मिनिमा में मत लीजिएगा, उसको छोड़ के लीजिएगा जो भी पॉइंट मिले, तो ये आपका फिसेबल रीजन हो जाएगा। फिसेबल रीजन में ही जो अब क्वेश्चन में मैक्सिमाइज मिनिमाइज लिख देता है, मान लीजिए नहीं लिखता है तो भी चलेगा, इस स्थिति में आप दोनों वैल्यू बता दीजिए। मैक्सिमम का मतलब आप जानते हैं कि सबसे बड़ा, मिनिमम मतलब सबसे छोटा उसमें। तो जो वैल्यू सबसे बड़ी हो फिसेबल रीजन के अंतर्गत तो वो मैक्सिमम वैल्यू मानी जाएगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू निकली हो वो मिनिमम वैल्यू। पर ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम बताते समय उस पॉइंट को भी लिखना जरूरी है कि किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है और किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। तो ये तो आपको हमने सॉल्व करने का इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखिए, सिंगल स्टेप से लिए हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लिए हैं, आगे हम एक लाइन का बता रहे हैं, सब्जेक्ट टू कंटेंट सिंगल लाइन है, फिर डबल लाइन है और फिर ट्रिपल लाइन है। इसमें आपको मेन समझना है साइडेड रीजन हम बनाते कैसे हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूज यदि स्टूडेंट होते हैं तो साइडेड रीजन को बनाने में होते हैं, है ना। उल्टा सीधा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, उल्टा सीधा तुक्का मारते हैं, रटा रटाया फंस गया तो बना देंगे, नहीं तो नहीं बना पाते हैं, कहीं भी साइडेड रीजन बना देते हैं। तो ध्यान रखिए, साइडेड रीजन वहीं बनना चाहिए जहां उसको क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां से आ रहा। तो ठीक है, अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है गिवन, गिवन ले लिए, गिवन में हमारा है जेड इक्वल टू आप जेड जेड इक्वल टू 3x+4y, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो जेड इक्वल टू 3x+4y एंड सब्जेक्ट टू कंट्रेंस x+y <y> 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 <y>
ग्रेटर देन जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स और वाई ये वाली कंडीशन हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो ही रहेगी, ये लेस देन में नहीं जाएगी। तो ये वैल्यू यदि आपके पेपर में लिखा है या नहीं लिखा है, एक्स वाई ग्रेटर देन आर इक्वल आपको जीरो के इक्वल ही लेके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये आपका गिवन हुआ, आप पहला लेते हैं कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन मतलब कि जो ये वैल्यू दी गई है उसे इक्वल के लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ओ। ठीक, इक्वल के बराबर ले लिए तो मतलब कि हम कंसीडर द लाइन का मतलब यहाँ की जो इक्वेशन दिया गया है उसे आप इक्वल साइन के रूप में लीजिए, है ना, क्योंकि ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, हम ग्राफ इक्वल में ही बना सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बच्चों का अपना अलग अलग तरीका है, x की वैल्यू अपने से लेते जाते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते जाते हैं। लेकिन आप चूंकि क्लास 12th में है, 11th पढ़ के आ चुके हैं, तो सबसे अच्छा इसका तरीका होता है कि जो भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे हम इंटरसेप्ट पोजीशन में ले लें, तो हमें किसी भी वैल्यू को सोचने की आवश्यकता नहीं। हमें दो पॉइंट चाहिए एक लाइन को खींचने के लिए, तो हम दो पॉइंट तो इंटरसेप्ट पोजीशन से भी पा सकते हैं लाइन के। तो जैसे ये लाइन है तो इंटरसेप्ट पोजीशन लाइन की क्या होती है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यदि ए है इक्वेशन, हम सपोज कीजिए कि हमारी लाइन इस पोजीशन की है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, तो इंटरसेप्ट पोजीशन का मतलब ये कि ए का इस पोजीशन को आप इस फॉर्म में लिख दीजिए, ये पोजीशन इंटरसेप्ट पोजीशन कहलाती है। तो कहने का मतलब कि जो लीनियर इक्वेशन दिए जाए उसको हम इस पोजीशन में लिख लें, ये इंटरसेप्ट माने कांस्टेंट का इसमें डिवाइड कर दें, तो ये वैल्यू इक्वल टू वन हो जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा एक्स वाई के साथ भी कोई भी वन के अलावा कोई भी अदर कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, यदि है तो वो भी इससे कट कर लेना है। तो मतलब ये कि जो भी लीनियर इक्वेशन दिया गया है उसे हम इस पोजीशन में ले आ लें। तो जैसे ये है तो इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन फोर
प्लस वाई अपॉन फोर इक्वल टू वन। अब यहां देखिए, यहां से आपको कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। टेबल बना लेते हैं, ये टेबल लिए, ये एक्स है ये वाई। तो इंटरसेप्ट पोजीशन का मतलब है कि एक्स एक्सिस में ए डिस्टेंस लिया गया है, कट किया गया है, और वाई एक्सिस में भी ए डिस्टेंस लिया गया है। तो यहां भी यदि एक्स की वैल्यू हम फोर ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम फोर ले लेते हैं, यदि एक्स की वैल्यू फोर हम यहां रखेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी, तो यहाँ वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यदि हम y की वैल्यू 4 ले लेते हैं और y की वैल्यू 4 हम इस इक्वेशन में रखते हैं यहाँ, तो x की वैल्यू 0 हो जाती है। तो y 4 है तो ये 0 है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको वैल्यू सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, इंटरसेप्ट पोजीशन बना दीजिए, वहीं से आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल मिल जाएगी। तो इंटरसेप्ट पोजीशन आपको पता चल गया होगा, स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं। अब हमारी देखिए पहली स्टेप कंप्लीट हो गई, पहली स्टेप आपकी यहां से यहां तक ही है। मान लीजिए दो इक्वेशन होते तो दो टेबल बन जाएंगे, थ्री इक्वेशन है तो थ्री बन जाएंगे। अब इसमें दूसरी कंडीशन है ग्राफ, टेबल बन चुका है, अब हमें ग्राफ बनाना है। दूसरी है ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इधर भी चाहे तो बना सकते हैं आप। ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3, ये पॉइंट प्लॉट कर लिए, पॉइंट और भी आप प्लॉट कर सकते हैं। तो अब इसमें ये वैल्यू प्लॉट करेंगे तो x की वैल्यू यदि 4 है तो y की वैल्यू 0 है, तो यहां से काम करेंगे तो ये पॉइंट आया, तो इस पॉइंट का नाम दे दिए a 4 0, ये हो गया 4 0। फिर दूसरी कंडीशन में आते हैं 0 4, यदि x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, तो x 0 है तो y 4 है, तो ये b पॉइंट ले लिए, ये हो गया आपका 0 4। अब ए बी को ज्वाइन, सिंगल लाइन है तो ए बी पॉइंट मिल गया, तो a से b को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, ये आपकी वैल्यू बनी। ध्यान रखिएगा जिस लाइन को आप खींचेंगे उस लाइन का नाम भी यहां लिखना है, नाम लिखना अनिवार्य है, x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये हमारा ग्राफ बन गया। अब सवाल उठता है कि इसमें साइडेड रीजन कैसे बनाया जाए। साइडेड रीजन बनाने के लिए ध्यान रखिए यहां पे, ये आगे आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, यदि कंडीशन x ग्रेटर देन दी जाती है, x ग्रेटर देन, तो मान लीजिए यदि हम कोई लाइन खींचते हैं इसमें x के लिए, मान लीजिए ये y के लिए गई है, तो ग्रेटर देन के लिए हमेशा जो साइडेड पार्ट बनेगा वो ओरिजिन से बाहर की ओर निकालेंगे। मतलब ये कि ये ग्रेटर है, ये हमारा ओरिजिन, तो मतलब कि यदि ये लाइन है, सपोज कीजिए ये लाइन है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ले रहे हैं, तो मतलब ये कि हमारा जो साइडेड पार्ट है, तो इस लाइन में जैसे दोनों साइड बनेंगे, जैसे इधर भी साइडेड पार्ट बन सकता है और इधर भी बन सकता है, तो ग्रेटर के लिए हमेशा आउटर की ओर लीजिए, ओरिजिन से बाहर की ओर, मतलब कि ये ओरिजिन है तो हमारा साइडेड पार्ट ऐसे चलेगा, लाइन के उस पार रहेगा, है ना। इसी तरह वाई है मान लीजिए ऐसे, तो ये भी ऐसे चलेगा, मतलब कि ओरिजिन से बाहर की ओर भागेगा। हर कंडीशन में यही होगा, चाहे सिंगल के लिए लीजिए, चाहे इस तरह के क्वेश्चन लीजिए। यदि लेस देन है मान लीजिए, तो लेस देन है तो मान लीजिए ये ओरिजिन है, ये तो लेस देन के लिए साइडेड पार्ट हमेशा ओरिजिन की ओर ही आपको बनाना है, माने ऐसे,
है ना, ओरिजन लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए हमेशा जो आप साइडेड पार्ट बनाएंगे तो लाइन के इधर की ओर बनाएंगे। अब जब हम बताएंगे तो आप समझ जाएंगे ऑलरेडी, पर ये फंडा आप ध्यान रखिएगा, लेस देन है तो आप हमेशा ओरिजिन की ओर साइडेड पार्ट बनाइए, लाइन तो आपको मिलेगी ही। जैसे ये लाइन मिल गई, अब लेस देन देख लिए हैं आप, जिस इक्वेशन की साइडेड रीजन बना रहे हैं उसके लिए, क्योंकि लाइन तो अलग अलग रहेगी, इसमें भी लाइन अलग अलग मिलेगी आपको। तो हर एक लाइन पर आप कंडीशन देखेंगे सब्जेक्ट टू कंट्रेंस में जाएंगे, कि हम यदि इस लाइन में साइडेड पार्ट बना रहे हैं तो इस लाइन की कंडीशन क्या है। लेस देन है कंडीशन, तो ध्यान रखिए कि उस लाइन की साइडेड पार्ट ओरिजिन की ओर ही आपको बनाना है। मान लीजिए यही चीज ग्रेटर में है तो यही चीज आपको बाहर की ओर हमारे इधर की ओर बना देना है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ग्रेटर देन है, ओरिजिन से बाहर की ओर बनाना है, मतलब कि लाइन के उस पार ये साइडेड पार्ट रहेगा। लेस देन है तो इस पार रहेगा। तो जब आप ये काम कर देंगे तो सभी लाइन में करेंगे तो ऑलरेडी आपको बाउंडेड पार्ट मिलेगा। तो बाउंडेड पार्ट कैसे मिलेगा, जैसे मान लीजिए ये हम लाइन के दिए तीन लाइन का, अब आपको बाउंडेड पार्ट इस तरह से, माने लाइन का मुंह एक ही दिशा में रहेगा, इस तरह से मिलेगा, है ना। यदि बाउंडेड नहीं रहेगा तो ये पोजीशन आप नहीं पाएंगे, कोई ना कोई उल्टा मिल जाएगा। तो जब साइडेड पार्ट के जो फ्रंट है वो सामने सामने हो तो वो आपका बाउंडेड पार्ट या साइडेड रीजन कहलाएगा, या एक ही दिशा में सब हो। जैसे आउटर बनेगा तो आउटर आपका ये बाहर, बाहर की ओर ही पूरा बनेगा, ये आउटर कहलाएगा। तो यहाँ हमने कोशिश की है आपको समझाने का, बाकी तो हम जब सवाल करेंगे तो ऑलरेडी अब आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पे ये कंडीशन होती है साइडेड पार्ट बनाने के लिए। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, यदि एक्स ग्रेटर देन जीरो है या कंडीशन में ग्रेटर देन की वैल्यू है तो आपको साइडेड पार्ट ओरिजिन से बाहर की ओर माने आउटर में ही बनाना है। तो अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इसमें अगर साइडेड रीजन बनाना है तो बहुत बच्चे इसको पोत देते हैं, समझ में नहीं आता कि कहां आपका साइडेड रीजन बना। साइडेड रीजन बनाने के लिए आपके पास जो कलर करने का कलर कर देते हैं आप, तो ध्यान रखिए आगे आप साइडेड रीजन को क्लियर कीजिए। तो साइडेड रीजन को क्लियर करने के बाद फिर आप उसमें ड्राइंग कर सकते हैं, कलरिंग कर सकते हैं। तो साइडेड रीजन बनाने के लिए हमें बिल्कुल छोटी लाइन खींचना चाहिए ताकि हमको समझ में आ जाए कि किस पार्ट में हमारा साइडेड पार्ट बन रहा है, क्योंकि फिगर है, फिगर में दो तीन लाइन जब इकट्ठा हो जाती है तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए आगे छोटी लाइन बनाइए, जब आप क्लियर हो जाए कि इसी पार्ट में साइडेड पार्ट बना है तब फिर आप बड़े आराम से जो करना है उसमें जिस तरह की कलरिंग करना है आपकी करते रहिए। तो ये देखिए हमारा सब्जेक्ट टू कंट्रेंस ये है, तो आगे एक्स और वाई, एक्स ग्रेटर देन है, वाई भी ग्रेटर देन है। तो एक्स वाली लाइन हमारी ये है तो ओरिजिन तो यहाँ है, तो मतलब कि ओरिजिन से ये बाहर की ओर लाइन भागेगी ग्रेटर देन के लिए, तो मतलब ये कि ये इसकी लाइन ऐसे बनेगी एक्स एक्सिस में, इस तरह से आप बनाएंगे ये आपकी एक्स एक्सिस की चली जाएगी, ये आप साइडेड रीजन चाहे जहां तक बनाइए आपके ऊपर। ये देखिए ये आपका एक्स एक्सिस के लिए हो गया, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए हो गया। फिर y ग्रेटर देन जीरो, तो ये y एक्सिस है, तो मतलब ये कि ग्रेटर बता रहा, तो मतलब कि y लाइन तो हमारी यही वाली है, तो ये आपका इस तरह से बनेगा, इस तरह से आप है ना जहां तक चाहे वहां तक बना सकते हैं उस एक्सिस में। ये आपका x और y प्लॉट हो गया है ना साइडेड रीजन। अब x प्लस वाई लेस देन, अब देखिए लेस देन बोला ही कंडीशन, तो लेस देन मतलब कि हम और जो साइडेड पार्ट बनेगा वो ओरिजिन की ओर बनेगा, मतलब कि ये लाइन है हमारी। तो आपको बताए थे कि यदि ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन के लिए बाहर की ओर लाइन बनेगी, यदि लेस देन है, एक्स क्या है
लेस देन है यदि जीरो से, तो यही लाइन ये देखिए ये इस कंडीशन के लिए है और यही लाइन इधर की ओर बनेगी लेस देन के लिए। तो ये वाली कंडीशन लेस देन फोर है, तो मतलब कि इस लाइन में ये वैल्यू इधर की ओर बनेगी, मतलब कि ऐसे जाएगी। ये आपकी, अब देख लीजिए बाउंडेड पार्ट आपका कहाँ बना, इन सभी लाइनों का जो चेहरा है या एरो का साइन है वो एक ही दिशा की, अब एक दूसरे के सामने मुड़ा हुआ है। ये जैसे देखिए, ये देखिए, सभी लोग एक दूसरे के सामने, मतलब कि हमारा साइडेड पार्ट ये वाला बना है ना, तो मतलब ये बाउंडेड पार्ट बना, चारों साइड से घिरा है। अब आप साइडेड पार्ट बना लिए तो अब इसमें आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, चाहे तो ऐसे ही रहने दीजिए या कि इसे किसी भी पेन पेंसिल आपके ऊपर है इसको आप चाहे जैसे बना दीजिए। ये आपका साइडेड पार्ट हो गया, तो ये आपका ग्राफ प्रोशन कंप्लीट, इसी में साइडेड रीजन बना है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है फिसेबल रीजन, तो ग्राफ के बाद फिसेबल रीजन तीसरा है। फिसेबल रीजन, फिसेबल रीजन में हम लेते हैं साइडेड पार्ट के कॉर्नर पॉइंट। तो इसमें देखिए फिसेबल रीजन मतलब कि कौन से पार्ट में साइडेड पार्ट बना है, ये पार्ट हमारा है, तो फिसेबल रीजन है ओ ए बी ओ, मतलब कि जहां से हम पॉइंट स्टार्ट पढ़ना शुरू करते हैं वहां तक लिखना। मान लीजिए हम ओ से स्टार्ट किए तो फिसेबल रीजन हो जाएगा हमारा ओ ए बी ओ, ये हमारा फिसेबल रीजन है, इसमें ओ ए बी ओ माने वहीं पे फिर से पहुंच जाना। तो फिसेबल रीजन हमारा है ओ ए बी, इसके कॉर्नर पॉइंट लिख लेना, तो इसका कॉर्नर पॉइंट है ओ ए और बी, तो इसमें दो स्टेप होंगी, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या दिया गया है, जेड इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई, ये आपकी टेबल बनेगी। ओके, तो ये आपका फिसेबल रीजन में ये टेबल बनेगी, कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, कॉर्नर पॉइंट कहाँ का लिखेंगे, साइडेड रीजन का लिखेंगे, जो साइडेड पार्ट आपने बनाया। तो इसमें कॉर्नर पॉइंट है ओ जीरो जीरो है ना, एक ये, फिर ए फोर जीरो, फिर बी जीरो फोर, ये आपके कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे आपका ये आया, यही कॉर्नर पॉइंट को इसमें लाइज कर देना है, मतलब कि एक्स और वाई की वैल्यू यहां से ले लेना है, जैसे ये एक्स माना जाएगा, ये वाई माना जाएगा, कोऑर्डिनेट तो आप पढ़े हैं, तो इन कोऑर्डिनेटों को इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लाइज कर देना है। तो जेड इक्वल टू थ्री जीरो प्लस फोर जीरो, तो ये तो जीरो आया, तो आपको बोले हैं कि जीरो ओरिजिन होता है तो एक्स वाई में रखेंगे तो ऑलरेडी वो जीरो होगा, तो मान लीजिए वो मिनिमम पॉइंट पूछता है तो आप ओरिजिन वाला मत लिखिए, ओरिजिन को छोड़ के जो मिनिमम हो उसको लिखना। थ्री ये फोर हो जाएगा है ना, फोर फिर फोर जीरो, ये आया ट्वेल्व। फिर तीसरा पॉइंट है जीरो टू फोर, तो थ्री जीरो फोर फोर, तो ये आया सिक्सटीन। अब देखिए ये आपका फिसेबल रीजन कंप्लीट हो गया, तो फिसेबल रीजन में आपको इतना करना। अब आते हैं लास्ट में आंसर पॉइंट, आंसर पॉइंट में आपके क्वेश्चन में लिखा है मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज मतलब कि हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू है 16। 16 किस पॉइंट पे आता है, बी पॉइंट पे,
तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू जेड इक्वल टू 16, है ना। मैक्सिमम वैल्यू हमारा मैक्सिमाइज क्या आया, 16 आया। किस पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आया, एट पॉइंट बी 04। ये आपका आंसर हो गया। मान लो इसी में मिनिमाइज का बोल देता तो मिनिमाइज इसमें क्या लेते आप, टर्ब को लेते, है ना। मिनिमाइज पॉइंट ये है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपको इतने स्टेप में करना है, चाहे वो 3 लाइन का हो, चाहे 2 लाइन का हो, चाहे 10 लाइन का हो, आपका क्वेश्चन करने का तरीका यही रहेगा। तो अब हम स्टूडेंट ले रहे हैं, ये तो सिंगल लाइन का बता दिए, अब डबल लाइन का आपको इसमें हम LPP में जो है तो 3 लाइन की कंडीशन बताएंगे, है ना। उसमें लेस देन ग्रेटर देन भी रहेगा और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपको, यही पोर्शन करना है। एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन बनता है, एक सीधा सीधा आपको लीनियर इक्वेशन दे देगा, जैसे ये हम क्वेश्चन में लिखे हैं, तो वो दोनों ही अथवा में रहेंगे। तो आप चाहें तो 9.1 भी कर लेंगे तो भी आपका नुकसान नहीं है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। तो हम आपको यहाँ से क्वेश्चन का तरीका ही बता सकते हैं आपसे इन्हीं पॉइंट के अंतर्गत, क्योंकि देखिए ये इक्वेशन है और आप क्लास 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन रटना नहीं चाहिए, उसकी मेथड समझना चाहिए। कोई भी इक्वेशन दे दे आप उसको इन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत आंसर देना है और ग्राफ प्लॉट करके आंसर बता देना। ओके, तो अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 2 लीनियर इक्वेशन रहेंगे। ओके, ये है आपका 2 लीनियर इक्वेशन। इसमें देखिए इसमें मिनिमाइज बताना है, है ना, मिनिमम वैल्यू। और पिछले क्वेश्चन में हम सिंगल लीनियर इक्वेशन लिए थे, लीनियर इनइक्वालिटीज लिए थे। अब इसमें देखिए 2 इक्वेशन है, ये कंडीशन तो आपकी कंपलसरी है, एक्स वाई ग्रेटर देन 0 आर इक्वल। अब यहाँ पे हमें इसमें मिनिमाइज बताना, मिनिमाइज मैक्सिमाइज तो आप नॉर्मल ढंग से ही लेंगे, क्योंकि जब फिसेबल रीजन आएगा तो मिनिमाइज पूछेगा तो मिनिमाइज का आंसर लिख देंगे, मैगजी पूछेगा तो मैगजी का लिख देंगे। यहाँ पे अब पहली स्टेप का है ये वाली चीज, तो आपको गिवन में लिखना है, माने आप क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए तो गिवन से स्टार्ट कीजिए, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया है उसको एक बार गिवन में जरूर रिप्रेजेंट कीजिए। तो मान लीजिए ये तो हम गिवन में लिख दिए हैं, तो अब हमारी पहली स्टेप होगी इसमें कंसीडर द लाइन, है ना। तो कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन, कंसीडर द लाइन मतलब कि जो इक्वेशन दिया गया है उसे हम इक्वल में लिख देंगे। तो ये है यहां कंसीडर में एक्स प्लस 2y इक्वल टू 8 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। जो भी इक्वेशन सब्जेक्ट टू कंट्रेंस में दिए गए हैं उसे हम इक्वल के बराबर इक्वल ले लिए, माने लीनियर इक्वल टू को इक्वल ले लिए। इसे अब हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट पोजीशन में रख लेंगे। तो जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसको हम लिखेंगे तो x अपॉन 8 प्लस 2y अपॉन 8 इक्वल टू 1, कांस्टेंट नंबर का 8 का इसमें डिवाइड कर दिए तो ये आया x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। इस पोजीशन में लिखना है, मतलब कि x और y के साथ भी कोई भी कोफिशियंट 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। ये आपका इंटरसेप्ट पोजीशन में आ गया, तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, ग्राफ इसका सीधा सीधा है, इसमें नंबर सोचने की आवश्यकता नहीं है इस इंटरसेप्ट पोजीशन में। तो ये देखिए हम इसको सॉल्व किए हैं, तो एक्स की वैल्यू यदि 8 है,
तो यहाँ हम यदि 8 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 0। अब यदि हम y की वैल्यू 4 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 अब इस इक्वेशन में यहाँ रखेंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू यदि 4 है तो x की वैल्यू 0 हो गई। ये आपकी टेबल नंबर फर्स्ट बन गई। इसी तरह से हम ये इक्वेशन लेंगे, तो इस तरह से चाहे जितने इक्वेशन दिए हो हम ग्राफ इसी तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये वाली पोजीशन लेते हैं एंड वी टेक थ्री एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 12 लिए, इस इक्वेशन को लिए। इसको भी इंटरसेप्ट पोजीशन बनाएंगे, माने 12 का पूरे में डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा 3x अपॉन 12 2y अपॉन 12 इक्वल टू 1। तो 3 4 जा, माने x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 2 6 जा इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट पोजीशन में कन्वर्ट हो गया। इसका भी ग्राफ यदि हम प्लॉट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक्स वाई, ये इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं टेबल सेकंड। तो एक्स की वैल्यू यदि 4 है तो वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। आप तरीका तो आप समझ गए कि एक्स 4 है यहाँ रख देंगे तो वाई की वैल्यू निकल आएगी, फिर वाई की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो एक्स की निकल आएगी, तो ये 6 तो ये 0 आ जाएगा। ये देखिए तो बिल्कुल आसान है, टेबल बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपका दूसरा पॉइंट इसमें आता है ग्राफ टेबल बनाने के बाद। तो सेकंड पॉइंट है ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में दो एक्सिस आप पूरा भी ले सकते हैं या जरूरत के अनुसार जितने की जरूरत हो उतना ले सकते हैं। ये ग्राफ, तो इसमें जो हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो चूंकि अब तो 12th में आप लोग हो ही तो ग्राफ प्लॉट बहुत सारे किए हैं तो उसमें बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस इस टेबल को इसमें प्लॉट करना है। तो ये 0 0, इसमें हम पॉइंट बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पॉइंट आप कहीं तक भी ले सकते हैं या कि ग्राफ को देख के बना लीजिए, जहां तक मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट हो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट प्लॉट करना है तो पॉइंट आप कहीं तक ले सकते हैं। अब इस पॉइंट में हमको इक्वेशन प्लॉट करना है, तो जैसे टेबल फर्स्ट अब हम बना लेते हैं इस ग्राफ में। तो x की वैल्यू इस टेबल को ले रहे हैं तो ध्यान रखिए एक चीज और ध्यान रखिए, ग्राफ बनाते समय यदि आपको ग्राफ पेपर मिलता है तो उस ग्राफ पेपर में आपको जिस ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं तो वो टेबल भी उसी ग्राफ में बनाना चाहिए। मतलब जैसे ये आप प्लॉट किए हैं तो यहाँ ये दोनों टेबल आप बना दीजिए, है ना। ये भी ध्यान रखिए ग्राफ में ये टेबल आपको बनाना है, बहुत जगह तो लगेगी नहीं, छोटा सा बढ़िया बॉक्स बना के आप टेबल जरूर रिप्रेजेंट कीजिए। देखिए जैसे ये बना रहे हैं तो x की वैल्यू 8 है तो y 0 है, तो ये आएगा यहाँ ये 0 हो गया y की और ये x 8 हो गया, ये पॉइंट a ले लिए और ये 8 0, ये प्लॉट हो गया। तो इस पॉइंट पे ये पॉइंट हम मान लिए। अब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 4, मतलब कि ये b पॉइंट मिला, तो ये आपका हो गया 0 4, ये हो गया।
ध्यान रखिए दोनों टेबल एक साथ नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप इसको कंप्लीट कर लिए तो इसका लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनती, मतलब इस लाइन को जरूर ड्रा कर लीजिए, नहीं तो कभी कभी चार पॉइंट मिलते हैं तो हम दूसरी दूसरी जगह लाइन बना देते हैं। तो इस पॉइंट से हम लाइन ड्रा कर दिए, ये आपका माने इस पॉइंट से निकल जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, ये x प्लस टू वाई इक्वल टू एट, आपकी ये पहली टेबल बन गई है ना। जिस लाइन को बनाए तो उस लाइन का नाम लिखना जरूरी है, और ध्यान रखिए इक्वल ही लगाना है, ये नहीं कि आप ये लाइन बनाए और ये ले ली। यदि आप कहीं इस इक्वल की जगह ये ले लेंगे लेस देन आर इक्वल टू ए, तो मान लीजिए वहां नंबर आपका कटा, क्योंकि आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन को हम इक्वल के बराबर लिखेंगे तभी वो लाइन मानी जाएगी, है ना। स्ट्रेट लाइन का फार्मूला है ये, तो इन इक्वलिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि इसको करेंगे तो फिर वो लीनियर लाइन बन कहाँ रही। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इक्वेशन लिखते हैं तो कंसीडर द लाइन से लिखते हैं, यानी ये इक्वेशन का नाम लिखते हैं। अब इस ग्राफ को प्लॉट कर देते हैं, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, तो यहाँ आ जाएगा इसके हमारे c पॉइंट आया 4 0। फिर 0 है x, y 6 है, तो x 0 y 6 ये आया यहाँ, ये d पॉइंट ले लिए और ये आया आपका 0 6। तो ये पॉइंट इस पॉइंट को मैच कर दिए तो आपका ग्राफ बना ये। इस इक्वेशन का नाम है 3x + 2y = 12। इतना तो आप बना लिए। ध्यान रखिए यदि दो लाइन का क्वेश्चन है या तीन लाइन का क्वेश्चन है, इंटरसेक्ट पोजीशन बहुत बच्चे ग्राफ से गलत भी कर सकते हैं। तो अब जैसे ये दोनों लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये पॉइंट मान लीजिए हमने P ले लिया, तो P पॉइंट हम, यदि आपका ग्राफ सही है तो आप तो सीधा लाइन इधर से लेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, इधर से लेंगे तो y का। पर हो सकता है ग्राफ है बहुत बारीक लाइन होती है तो आपकी लाइन थोड़ा इधर या उधर हो सकती है, तो आप पॉइंट गलत ले सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये पॉइंट किस लाइन को पे कट हो रहा, माने इन दोनों लाइनों में कट हो रहा, तो मतलब कि इन्हीं दोनों लाइन को आप सॉल्व करके, जैसे टेंथ में सॉल्व करते थे लीनियर इक्वेशन और एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, उसी तरह यहाँ भी आप चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाइए या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लाई, उस मेथड से आप पॉइंट पी फाइंड कर लीजिए। तो इस पॉइंट को हम फाइंड करने के लिए, मान लीजिए ये एक्स है ये वाई है, इसको हम फाइंड करने के लिए ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो सॉल्व करते हैं तो आपको सिर्फ लिखना है, बाकी सॉल्यूशन जो होता है वो आपका रफ वर्क माना जाता है, तो उसे आप यदि चाहे फेयर में भी कर देंगे तो भी आपको वहां पे उसकी मार्किंग नहीं होगी। आपको सिर्फ इस पॉइंट को बताना है, वो पॉइंट आपका सही होना चाहिए। कैलकुलेशन आप चाहे रफ में करके वहां पॉइंट प्लॉट कीजिए या कि ग्राफ से ही कीजिए। तो सॉल्व इक्वेशन 1 and 2। तो पहला इक्वेशन है x + 2y = 8, ये इक्वेशन 1 है। 3x + 2y = 12, ये इक्वेशन 2 ये है। तो इसमें तो ऑलरेडी एक पेयर बराबर है, तो इसको ये -2x = -4, तो x की वैल्यू आ गई 2, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2 + 2y = 8, तो 2y = 6, तो y = आया 3। तो इसलिए पॉइंट फॉर पॉइंट PXY, हम ये जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं किस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं, पी पॉइंट के लिए। तो इसलिए पॉइंट पी कितना आया, XY = 2 3। ये
तो ये आपका पी पॉइंट आ गया। तो ये वाला पॉइंट हम इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, जिस पॉइंट पे काटे आप देख लीजिए कि किस पॉइंट पी जो है दोनों लाइन एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं। तो मतलब कि ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे काट रहे हैं, तो इस पॉइंट को फाइंड करना है। तो ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे कटे उन्हीं लाइन को पकड़ लेना है। तो हमारा इसका आंसर आया 2, 3। ओके, बहुत बच्चे क्या करेंगे, यदि ये पोजीशन नहीं लगाते तो यहाँ से सीधी लाइन लेंगे तो एक लाइन ये वाली मिलेगी और एक ये मिलेगी, है ना। तो हो सकता है कि लाइन बहुत बारीक होती है, वहां आप डिस्टर्ब हो जाए। तो सबसे बढ़िया तरीका है इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। ध्यान रखिए कि आपको इस पोर्शन का नंबर नहीं दिया जाएगा, इस पोर्शन में पॉइंट से मतलब है। तो आप चाहें तो इक्वेशन लिख दीजिए कि सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एक्स वाई इक्वल टू 2, 3, ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमको यहाँ पे ग्राफ का पोर्शन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें बचता है साइडेड रीजन कैसे बनाना है। तो आप सब्जेक्ट टू कंट्रेंस में जाइए, तो एक्स वाई तो ग्रेटर देन ही रहेगा, मतलब उसको तो हम उसी तरह बनाएंगे। तो ये एक्स वाली वैल्यू है तो इसमें लाइन ऐसी जाएगी, तो ये एक्स वाली लाइन आपकी क्योंकि ग्रेटर है तो ओरिजिन से बाहर की हो जाएगी। ये लाइन आप कहीं तक बना सकते हैं ये, और लाइन आगे छोटी ही बनाइए ताकि हमको बाउंडेड पार्ट समझ में आ सके। फिर वाई ग्रेटर देन है तो ये वाई लाइन है, तो ग्रेटर देन है तो लाइन ऐसी ही जाएगी, है ना। वाई बहुत बच्चे ये पूछते हैं कि कहां तक खींचे ये लाइन, तो चूंकि आप एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आप जहां तक बनाए वहां तक खींच सकते हैं, ये वाई है ना, ये वाई एक्सिस में एक्स वाली साइडेड पार्ट आप एक्स लाइन में चाहे जहां तक खींच लीजिए। अब ये आते हैं, तो ये दोनों तो हमारा कंप्लीट हो गया, है ना, आपको ये समझ में आ गया होगा एक्स वाई के लिए हम लाइन कैसे बनाए हैं। ओरिजन चूंकि ग्रेटर है तो ओरिजन से बाहर की ओर लाइन निकलनी चाहिए। अब आते हैं इन दोनों में किसी को ले लीजिए, तो ये देखिए एक्स प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 8 बना है, माने कि जो कंडीशन है वो लेस देन में है, दोनों ही कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू 8 है। तो मतलब ये कि हम यदि इस इक्वेशन को देख रहे हैं, मतलब कि ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं, तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, लेस देन आर इक्वल है, मतलब लेस देन है तो ये वैल्यू ओरिजिन की ओर साइडेड पार्ट बनेगा, माने इधर की ओर ओरिजिन हमारा ये, तो मतलब ऐसे बनेगा। ये देखिए ये यहाँ मान लीजिए यही चीज ग्रेटर होती तो यही लाइन ऊपर की ओर खींचते, ध्यान रखिए जिस लाइन की कंडीशन ये उसी लाइन के ऊपर ये हमको बनाना है। तो ये x प्लस 2y लेस देन के लिए हो गया, फिर ये वाला तो बन गया, ये भी लेस है, तो ये वाली लाइन हमारी ये वाली है, है ना, यहां तक गई है, तो लेस देन में है तो ये भी ओरिजिन की ओर ही बनेगी, मतलब ऐसी ही जाएगी ये, ये देखिए। अब आपका ये कंप्लीट हो गया, अब आपको इसमें बाउंडेड पार्ट ढूंढना है। तो ये देखिए ये वाली लाइन देखिए ये इधर की ओर है, मतलब कि ये पोर्शन हम तीर बना देते हैं। ये देखिए ये देखिए फ्रंट मिल रहा है, ये देखिए ये भी इधर की ओर है, ये इधर, ये देखिए इस पार्ट में बाउंडेड बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। आप कैसे नहीं बन रहा, ये देखिए ये लाइन का पोर्शन ये है, इसका पोर्शन ये वाला जा रहा है, इसका ये जा रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं मिल रहा है, ये वाला पोर्शन इधर की ओर है, मतलब ये नहीं बनेगा। इसी तरह इस वाले में यदि जाते हैं तो ये पोर्शन ऐसे है, ये पोर्शन ऐसे है, पर ये वाला पोर्शन ऐसे नहीं है, है ना। ये यदि ये वाला पार्ट होता तो ये लाइन ऐसे बनती, तो ये चीज यहाँ नहीं है, मतलब ना तो ये है बाउंडेड पार्ट ना ये वाला है। तो आपकी पोजिशन इस तरह से बनेगी। अब आप जैसे साइडेड पार्ट पा गए हैं तो इसमें आप कलरिंग कर सकते हैं,
ये आपका साइडेड पार्ट है ना, फिसेबल रीजन के लिए आपको इस चीज का ध्यान रखना। तो अब हमारा कॉर्नर पॉइंट साइडेड पार्ट के ये वाले होंगे कि ये जो पार्ट है इसका कॉर्नर क्या है, तो इसके कॉर्नर हमारे ये वाले हैं, ये कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो कॉर्नर पॉइंट है P, ये B है, शायद नहीं दिख रहा यहाँ बहुत सारा वो लिख दिया, ये B पॉइंट है, ये B हो गया, ये O, ये C। तो अब हमारा जो इसमें तीसरा पॉइंट है फिसेबल रीजन, तो इसमें हम तीसरा पॉइंट ले लेते हैं फिसेबल रीजन। तो फिसेबल रीजन में क्या क्या आता है, कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव पॉइंट, ए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो फिसेबल रीजन में यहाँ आएगा आपका फिसेबल रीजन इसमें है क्या, फिसेबल रीजन इसमें जहां बाउंडेड पार्ट बना है ओ सी, ये सी पॉइंट है ध्यान रखिएगा, ये सी बना दिए, ओ सी पी और बी, ओ सी पी बी ओ, जहां से स्टार्ट करें वहां तक इसको लिखना, ये आपका फिसेबल रीजन है। अब फिसेबल रीजन ओ सी पी बी ओ है, तो यहां दो फिसेबल रीजन को दो पॉइंट में लिखते हैं, कॉर्नर पॉइंट और ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दिया है, माइनस थ्री एक्स प्लस फोर वाई। हमारा इसमें कॉर्नर पॉइंट क्या है, ओ है, ओ कितना है जीरो जीरो, फिर सी है सी फोर जीरो। कॉर्नर पॉइंट आपको लिखना है आगे पीछे, इनको कर सकते हैं, सी को ऊपर लिख सकते हैं, ओ को नीचे, बस कॉर्नर पॉइंट आप सही लीजिए। पी है टू थ्री, ये P हो गया, ये P हो गया, B है आपका 04, ये आपकी टेबल बनी। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया फिसेबल रीजन। अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया है, ये वैल्यू आप इसमें लाइज कर दीजिए, जेड इक्वल टू थ्री जीरो प्लस फोर जीरो, ये जीरो आया। फिर सी पॉइंट को लाइज कर दीजिए इसमें, तो माइनस थ्री फोर प्लस फोर जीरो, ये आया माइनस ट्वेल्व। फिर पी पॉइंट में जेड इक्वल टू माइनस थ्री टू प्लस फोर थ्री, ये आया सिक्स। इसी तरह से बी पॉइंट वाले को जेड में लाइज कीजिए, माइनस थ्री जीरो प्लस फोर फोर, ये आपका आया सिक्सटीन। ये आपका फिसेबल रीजन, यहीं से आपको मिनिमाइज मैक्सिमाइज मिलेगा। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा है मिनिमाइज, तो इसका मिनिमाइज क्या होगा, मिनिमाइज यहाँ पे जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा। हाँ ध्यान रखिए, आपको बार बार बोला हूँ कि ओरिजिन वाला, ओरिजिन से जो भी आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन को यदि लाइज करते तो उसका आंसर हमेशा जीरो ही मिलेगा, इसलिए मिनिमाइज में आप ओरिजिन को छोड़ के बताएंगे, चाहे तो आप ओरिजिन ना लिखें ऑब्जेक्टिव फंक्शन फिसेबल रीजन में तो भी चलेगा, और लिख दिए हैं तो को ध्यान रखिएगा वो हमेशा मिनी जीरो ही बताएगा, तो आप ओरिजिन को छोड़ के आंसर देंगे। तो इसमें मिनिमाइज इन तीन में से माइनस ट्वेल्व सबसे छोटा है, इसलिए मिनिमाइज इसका होगा, पांचवा है आपका आंसर मिनिमाइज। तो मिनिमम वैल्यू, कितनी आई, जेड इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, किस पॉइंट पे आई है, सी पॉइंट फोर जीरो पर।
एट पॉइंट सी 40, ये आपका आंसर हो गया। तो हमारे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में हम दो लाइन का तो अभी बता रहे हैं, अगले लेक्चर में भी दो का बताएंगे, है ना। ये जैसे लेस देन के लिए हो गया तो ग्रेटर देन कंडीशन भी लेंगे और तीन लाइन का भी बताएंगे, है ना। अगले लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, हम आपको सिर्फ इस तरह के इक्वेशन ही बताएंगे, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, पर ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे सॉल्व करते बनना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन दे दिया रहेगा, आप उसमें ग्राफ ड्रा करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम हो, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आपका यही रहता है, आपको इक्वेशन इस तरह से बना लेना है, उसके बाद भी पोजिशन यही पूरी लेना है, इसलिए इसके सभी क्वेश्चन सिमिलर है। ओके स्टूडेंट, अगेन हैव ए नाइस डे।